आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद में पर्यटन विभाग स्थापित करेगा होटल मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट, प्लेसमेंट की होगी सुविधा। प्रशासन ने 5 एकड़ भूमि किया चिन्हित। बैंक डकैती की योजना बनाते हुए 9 अंतरराज्यीय शातिर लुटेरों को गोरखनाथ पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, लकड़ी का डंडा, सरिया, पाइप, 2 कुल्हाड़ी, 1 लोहे का सब्बल, 11,000 नगद, 2 मोटरसाइकिल किया बरामद। SPCT ने किया सनसनी केस खुलासा, भेजा जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने ऑपरेशन 15 हंट पर कहा कि लगभग 7,000 अपराधियों को किया गया है चिन्हित, 1100 अपराधी हैं फरार। अपराधियों का पता लगाकर की जाएगी विधिक कार्यवाही। सड़कों के चौड़ीकरण में आ रहे जमीन और मकान का सर्वे है जारी। जिलाधिकारी ने कहा सही कागजात वाले लोगों को मिलेगा उचित मुआवजा। एकला बंधे पर नगर निगम द्वारा गिराए जा रहे कूड़े का स्थानीय नागरिकों के विरोध को देखते हुए पुलिस और PSC एवं ETF के जवानों ने संभाला मोर्चा। प्रशासन और स्थानीय लोगों में बातचीत पर बनी सहमति। अधिकारियों ने कहा सहजनवा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट शुरू होते ही बंद होगा एकला बंधे पर कूड़ा गिराने का कार्य। परफॉर्मेंस ग्रांट के तहत होने वाले विकास कार्यों में धांधली रोकने के लिए जिलाधिकारी ने किया है 3 सदस्यीय टीम का गठन। कहा विकास कार्यों में लापरवाही क्षम्य नहीं। राजकीय रेलवे पुलिस के IG ने शुक्रवार को किया GRP पुलिस लाइन का औचक निरीक्षण। बैठक कर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। नगर निगम द्वारा वित्त पोषित विभिन्न निर्माण कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के संबंध में CNDS के अधिकारियों के साथ महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का दिया गया निर्देश। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,334। अब तक 847 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 52 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। मनाया गया गुरु श्री गोरखनाथ ब्लड बैंक का 16वां स्थापना दिवस। चिकित्सालय के निदेशक ने कहा प्रगति के पथ पर अग्रसर है गुरु गोरखनाथ ब्लड बैंक। शुक्रवार को जिला अस्पताल एम सहित 32 केंद्रों पर 10,415 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। CMO ने कहा खत्म नहीं हुआ है कोरोना, अवश्य लगवाए टीका जीत का। उमस भरी गर्मी से इंसान ही नहीं जानवर भी है परेशान। जानवरों के पास पंखा, कूलर और AC तो नहीं, लेकिन बंदरों ने अपने लिए गर्मी से बचने का ढूंढ लिया है रास्ता। और शासन के निर्देश पर शुक्रवार को भी रात्रि 10 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा साप्ताहिक बंदी। शुक्रवार को नाइट कर्फ्यू का मिला जुला दिखा असर। SPCT ने कहा कोरोना के संभावित तीसरे लहर से बचने के लिए करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, रहें सुरक्षित।